Hello and welcome to all of you on this platform of Royal IAS Academy, जहां हम आज 7 दिसंबर 2021 के द हिंदू के एडिशन को एनालाइज करेंगे यूपीएससी को माइंड में रख करके प्री मेंस एंड इंटरव्यू ऑल. सो द वेरी फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नागालैंड, जहां पे पॉलिटिकल माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है. अभी कुछ किलिंग्स वहाँ पे आर्मी के द्वारा हुआ है और अनडाउटली जो एक्ट यूज किया जाता है ऐसे इंसर्जेंट जगह पे, उसका नाम है अफस्पा, AFSPA अफस्पा. ये अफस्पा बहुत पुराना एक्ट है, 1958 का ये एक्ट है, जिसमें आर्मी को ये पावर दिया गया है कि वो बिना वारंट के किसी भी हाउस को सर्च कर सकता है. अगर उसे सस्पेक्ट कोई लगता है तो उसे गोली मार सकता है. और यही इस नागालैंड के फिलहाल का जो क्राइसिस है उसके पीछे का रीजन है. हम पॉलिटिकली ज्यादा इन्वॉल्व ना हो करके नागालैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और नागालैंड की एक्टिविटीज, वहां का कल्चर को डिस्कस करेंगे. यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट है. नागालैंड जो कि नॉर्थ ईस्ट में एक बिल्कुल इंटरनेशनल बाउंड्री के साइड में स्टेट है, कुछ इस तरीके से इसका शेप है. इधर ईस्ट में म्यांमार की बाउंड्री है, नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है, वेस्ट में आसाम है और साउथ में मणिपुर है. नागालैंड जो सिक्स शेड्यूल है, जो एमईटीमी के लिए बनाया गया है, यानी आसाम, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, जहां वहां के ट्राइब्स के लिए शेड्यूल सिक्स में रूल है, उसमें नहीं आता है. नागालैंड फिफ्थ शेड्यूल में आता है. एक आर्टिकल था 370 जो J&K के लिए लाया गया था और उसे अब रिमूव कर दिया गया है, बट एक आर्टिकल है 371A. यह स्पेशली नागालैंड के लिए लाया गया है. नागालैंड इस एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इंडिया का स्टेट है ये. इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1963 का है नागालैंड का. एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये तीन चीजें, अफस्पा जो 58 का एक्ट है, नागालैंड जो 63 में एस्टेब्लिश किया गया है एज अ स्टेट ऑफ इंडिया, 371A आर्टिकल के तहत वहां पे रूल किया जाता है. 370A का मतलब क्या है? इसका मीनिंग सिंपल सा है कि वहां के गवर्नर को ये पावर है कि वो जिस एक्ट को चाहे, पार्लियामेंट जो पास कर रहा है, उसे नल एंड वाइड कर देंगे अगर उन्हें लगता है कि वो एक्ट नागालैंड के कल्चरल और रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिस के साथ कुछ मैनिपुलेशन कर सकता है. मैं फिर से रिपीट करता हूं, आर्टिकल 371A में ये प्रोविजन है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, दैट इज गवर्नर नॉट CM, नो डाउट CM हेड होता है बट कॉन्स्टिट्यूशनल तो गवर्नर ही है, तो गवर्नर को ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी एक्ट को जो पार्लियामेंट ने पूरे कंट्री के लिए पास किया है साइड में रख देंगे कि ये एक्ट जी नागालैंड के इस कल्चर और प्रैक्टिस के साथ मैनिपुलेशन कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है. नागालैंड के साथ कुछ अच्छी चीजें भी हैं. ये कल्चरली रिच स्टेट है. हॉर्नबिल फेस्टिवल आप सबको पता होगा. ये हॉर्नबिल फेस्टिवल वही फेस्टिवल है जिसमें 10 दिन तक एक सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और ये 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है. 2000 में शुरू किया गया था हॉर्नबिल फेस्टिवल को. This is about Hornbill Festival. जो भी इस न्यूज को वॉच कर रहे हैं उन्हें मैं सलाह दूंगा कि वो नोट करते चलें, क्योंकि इस पे जो मैं लिख रहा हूं वो क्लियरली मे बी मिट भी जाएगा बाद में, इसे हटा दिया जाएगा, बट आप नोट कर लेंगे तो वो इंपॉर्टेंट होगा, आपके काम आएगा शॉर्टकट में. हॉर्नबिल फेस्टिवल जो 2000 में स्टार्ट किया गया था, नागालैंड का एक कल्चरल फेस्टिवल है जो 10 दिन मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक चलता है. यहाँ के जो कुछ ट्राइब्स हैं जो इसमें पार्ट लेते हैं वो हैं अंगामी, कचरी, कोन्याक, ये सब इनके ट्राइब्स हैं. और भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं नागालैंड में,
नागालैंड मिनरल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास मिनरल वहां से नहीं लाया जाता, एक्सेप्ट एक ओएनजीसी का ब्रांच है वहां पे, ओएनजीसी नागालैंड से ऑपरेट करता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया रसिया रिन्यू मिलिट्री पैक्ट। एक तरीके से रशियनाइजेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री कहा जाए इंडियन मिलिट्री के लिए तो कोई गलत नहीं होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम गेटिंग द इंडिपेंडेंस से लेकर के और रिसेंटली S-400 जो यूएसए ने इंडिया को दिए हैं, जिसपे अमेरिका ने कास्टा वगैरह का धमकी दिया, काउंटरिंग एडवर्सिटीज ऑफ अमेरिका बोलते हैं जिसे, कास्टा एक्ट एक अमेरिका का 2016 का कास्टा, इसके तहत अमेरिका उन कंट्रीज पे पाबंदी लगाता है, सैंक्शंस करता है उन कंट्रीज को जो उसकी मर्जी के खिलाफ या उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे फेवर में नहीं है, किसी दूसरे कंट्री के साथ एग्रीमेंट करते हैं। तो जब रसिया ने S-400 दिया इंडिया को तो यूएसए ने धमकी दिया कि हम कास्टा लगा दें, लगा दो भाई। अभी एक AK जो राइफल का सीरीज है उसमें AK-203 की बात चल रही है कि रसिया इंडियन मिलिट्री को AK-203 देगा। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो 92 में इसका खत्म हो गया था, 92 में ये पैक्ट पूरा हो गया था, रसिया के साथ था जब ये यूएसएसआर हुआ करता था। रसिया एक रिलायबल पार्टनर है इंडिया के, हालांकि जिस तेजी से वर्ल्ड का जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है और पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हुए हैं, अब कोई दो पावर नहीं रह गया है केवल, जो कोल्ड वार तक हुआ करते थे कि एक यूएसए है और एक रसिया है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लाइक पाकिस्तान के साथ भी रसिया के अच्छे रिलेशन है, चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन है, बट इंडिया के साथ अब तक अच्छे रिलेशन है नो डाउट। आज रसिया न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इंडिया ने रसिया के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग शुरू किया है, डायलॉग, एक डायलॉग है, एक चैनल होता है डिप्लोमेटिक, इसे बोलते हैं 2+2। यहाँ जो पहला दो है ये दो मिनिस्टर के लिए यूज होता है, एक डिफेंस मिनिस्टर और एक फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, जिसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोलते हैं, यानी फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हैं आप उसे। तो दो मिनिस्टर होंगे एक कंट्री के और ये जो दो सेम है सेम प्रोफाइल के होंगे दूसरे कंट्री के। तो ये दोनों जब बैक टू बैक मिलते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि पुतिन साहब आए हैं इंडिया, तो यहाँ देखिए गले मिल रहे हैं पुतिन और मोदी। अब इनके बैक साइड में आसपास के कमरे में कहीं राजनाथ सिंह और जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हैं अपनी जिनके पास है, वो बाकी के दो से मिल रहे होंगे जो उनके दो मिनिस्टर हैं। दिस इज 2+2 चैनल। ये 2+2 चैनल पॉपुलराइज हुआ था इंडिया जापान से सबसे पहले, बाद में बहुत सारे कंट्री के साथ 2+2 डायलॉग है, जैसे कि यूएसए हो गया, यूएसए के साथ 2+2 डायलॉग बहुत फेमस है। सो बात करते हैं अब हम अगले न्यूज आर्टिकल की। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एक छोटा सा न्यूज आर्टिकल आया है कि सीबीआई आउट टू प्रोब केसेस अगेंस्ट परमबीर। ये परमबीर साहब मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे जिन्होंने एलिज किया था वहां के होम मिनिस्टर को कि ये हमें पैसे लाने के लिए बोलते थे, कितना करोड़ चाहिए इस महीने में। इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर अभी ये लीप पे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को ये राइट है कि वो इस रैंक के ऑफिसर्स की इंक्वायरी करे। तो एक नजर डालते हैं सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि अब भी सीबीआई आरटीआई के अंदर नहीं आता। अगर आप आरटीआई लगाएंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से, कुछ मालूम करना चाहेंगे सीबीआई, एनआईए, नो आरटीआई टू सीबीआई, एनआईए, ऐसे कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जिन पे आरटीआई लागू नहीं होता। सीबीआई को पावर मिलता है, एक एक्ट है दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, डीपीएसई, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये एक्ट लाया गया था 1946 में। वैसे तो कहानी सीबीआई की शुरू होती है 1942 से, जी हाँ बिल्कुल सही याद आया आपको, डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे 41 में सीबीआई एक अलग नाम से एस्टेब्लिश किया गया था और उस टाइम पे इसका जो हेडक्वार्टर था वो लाहौर में था। बट नियर बाई इंडिपेंडेंस एक एक्ट लाया गया, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में, और इससे एक
ऑर्डर निकाल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है सीबीआई। जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और आप मैं चाहता हूं कि आप नोट करें, बहुत काम आएगा। सीबीआई ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ऐसा एक बार नहीं, कई बार कोर्ट्स के जजमेंट में आ चुके हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि सीबीआई के वैलिडिटी पे ही, इसके ऑथेंटिसिटी पे ही हमारे कोर्ट को डाउट होने लगा है। जैसे मैं एक दो आपको एग्जांपल देता हूं, 6 नवंबर 2013 को सीबीआई के लिए एक खास दिन था, 6 नवंबर 2013, जब एक हाई कोर्ट जिसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी भी बोलते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बाइंड अप करो इसको। सुप्रीम कोर्ट गई केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन पे को होल्ड पे रखा कि नहीं ऐसा मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये स्टेच्यूटरी भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बाइंड अप कर दिया जाए। तो करेंट सिचुएशन ये है कि सीबीआई एक एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और मैं तो थोड़ा सा बहुत न्यूट्रल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, एक जज थे अपने कंट्री में, बाद में वो चीफ जस्टिस भी बने, और ये 2013 की ही बात है, नाम था उनका R.M. लोढ़ा, बहुत ही इंटेलेक्चुअल जज माने जाते हैं, पार्शियलिटी से ऊपर। इन्होंने 2013 में जब ये जज थे, चीफ जस्टिस नहीं बने थे ये, इन्होंने कहा था कि सीबीआई इज अ केज पैरोट, पिंजरे में बंद एक तोता है जो अपने मास्टर की भाषा बोलता है। दिस वॉज अ बिग जजमेंट, बिग स्टेटमेंट बाई अ सिटिंग जज, एज वेल एज एम्बैरेसमेंट फॉर सीबीआई। बहुत शर्म की बात थी सीबीआई के लिए। उस टाइम पे चीजें भी ऐसी हो रही थी, रंजीत सिंह का, रंजीत कुमार का केस याद होगा आपको, जब वो सीबीआई के डायरेक्टर थे, है ना, बहुत सारी चीजें लगी उनपे। खैर, अब हम बात करते हैं कि सीबीआई रूल कैसे करती है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कैसे करती है। ये जो डीपीएसी है 1946, इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 6, याद करना बहुत आसान है, सेक्शन 6 1946। ये सेक्शन 6 सीबीआई और स्टेट के बीच में एक पेपर ऑफ कंसेंट बनाता है। सीबीआई स्टेट पुलिस के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक जनरल कंसेंट साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं कि आपके स्टेट में मैं आके इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब हुआ कि अगर कोई स्टेट नहीं चाहता है कि सीबीआई उसके इन्वेस्टिगेशन करे तो सीबीआई नहीं जा सकती है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना, आंध्रा, राजस्थान और लगभग जितने भी नॉन रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट वाले हैं, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल का केस याद होगा आपको, इन लोगों ने सीबीआई को मना कर दिया है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम अपना इन्वेस्टिगेशन अपने पुलिस डिपार्टमेंट से ही करवा लेंगे। तो सीबीआई वहां नहीं जा सकती है। ये सेक्शन 6 एक एग्रीमेंट का सेक्शन है जहां म्यूचुअल कंसेंट होता है। अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो रहा है, डाइवोर्स हो गया सीबीआई और स्टेट गवर्नमेंट में, तो भाई कोई बात नहीं, तुम अपने घर रहो, हम अपने घर रहते हैं। कुछ चीजें और हैं इससे रिलेटेड। इसका ज्यूरिसडिक्शन 1965 में थोड़ा सा इनलार्ज कर दिया गया था। सीबीआई के साथ जो सेकेंड अच्छी चीज हुई थी एस्टेब्लिशमेंट के बाद, वो ये था कि 1965 में इसके ज्यूरिसडिक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया था, और उसमें ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी केस को सीबीआई को रेफर कर सकती है और सीबीआई इसके लिए मना नहीं करेगी। तो आप कहेंगे कि उससे पहले क्या कर रही थी सीबीआई? 1965 से पहले सीबीआई का ओरिजिनल काम था ब्राइबरी यानी घुसखोरी और करप्शन। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स घूस लेते थे, ब्राइब लेते थे और करप्ट थे, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना सीबीआई का काम था। लेकिन 1965 के बाद इसके ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा दिया गया, और अब करेंट में सिचुएशन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी केस में लगा सकती है सीबीआई को, सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी मर्जी है। सो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं मेन चीजों को। सीबीआई
डीपीएसी दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाया गया है 1946 में। ओरिजिनली ये केवल ब्राइबरी और करप्शन को इन्वेस्टिगेट करता था, 65 के बाद इसका पावर बढ़ा दिया गया है, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी पे डिपेंड करता है। एज पर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजन सीबीआई ना तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होते हैं जो किसी एक्ट के तहत लाए जाते हैं, ये एक एक्ट के तहत लाया गया है अनडाउटली, बट एक्चुअली ये डीपीएसी से दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ये केवल कुछ ऑथोरिटी डिराइव करता है, ऐसा नहीं है कि होल एंड सोल डीपीएसी ही लाया गया था सीबीआई के लिए, ऐसा नहीं है, सीबीआई लाया गया है डीपीएसी से। मैं फिर से इस डिफरेंस को क्लियर करता हूं, डीपीएसी ऑलरेडी है, उसमें एक कोई ऐसा सेक्शन है जिससे कि सीबीआई को पावर मिल गया, तो ये चीज है, ऐसा नहीं है कि सीबीआई को बनाने के लिए, सीबीआई को एस्टेब्लिश करने के लिए डीपीएसी लाया गया था। डीपीएसी से दिल्ली पुलिस को भी पावर मिलता है, और जो कि सीबीआई से डिफरेंट चीज है। इसका सेक्शन सी एक म्यूचुअल कंसेंट का सेक्शन है, जहां सीबीआई और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है कि आप अगर आपको चाहिए तो मैं आऊंगा आपके यहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एक बहुत ही मजेदार केस हुआ था कंट्री में फर्स्ट टाइम, जब अपोजिशन में भी सेम पार्टी थी और केस करने वाला भी सेम पार्टी था, और इस केस का नाम है सीबीआई वर्सेस सीबीआई। बहुत इंटरेस्टिंग नाम ही इंटरेस्टिंग है, सीबीआई सीबीआई के अगेंस्ट, दिस वाज द केस। ये केस क्या था, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डीजी को, डायरेक्टर जनरल जो थे सीबीआई के, जनरली सीनियर मोस्ट आईपीएस या रिटायर्ड को कभी कभी बना दिया जाता है, तो उनको हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। फिर से सुनिए कहानी को, सीबीआई वर्सेस सीबीआई। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई को, या डायरेक्टर ऑफ सीबीआई सिंपल सिंपलिकल है, जो हाईएस्ट पोस्ट है सीबीआई का, एक आईपीएस जनरली होल्ड करता है, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से हटा दिया था, उन्हें छुट्टी पे भेज दिया था। तो वो डायरेक्टर साहब कोर्ट गए, अब वो डायरेक्टर भी किसके, सीबीआई के, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टर नहीं है, तो वो भी सीबीआई हुए, गए किसके अगेंस्ट, सीबीआई के, तो केस क्या बना, सीबीआई वर्सेस सीबीआई। इसमें वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपीट किया कि केवल और केवल सिलेक्शन कमिटी के पास ये पावर है कि वो सीबीआई के डायरेक्टर को हटाए या अपॉइंट करे। अब सिलेक्शन कमीशन में मेन कौन कौन होते हैं, पीएम होते हैं नो डाउट, अपोजिशन ऑफ लीडर होता है नो डाउट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं नो डाउट, ये तीन वो महान लोग हैं जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का सिलेक्शन करते हैं। तो सीबीआई ने कहा कि रिमूवल में भी इन्हीं तीनों की जरूरत पड़ेगी, और भी लोग हैं जिनसे सलाह लिया जाता है, लेकिन ये तीन मेन है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी पर डीजी को, डायरेक्टर को रिक्वायर और रिमूव नहीं कर सकती। चलिए बात करते हैं आगे, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज है, इन सब चक्रों में ना पड़े, जब सेंसस होगा तो रिकॉर्ड याद कर लीजिएगा, जो मेन मेन रिकॉर्ड होगा क्या है कैसे है, क्योंकि अगर इन पॉलिटिकल न्यूज को अगर आप केयर करने लगेंगे तो जो इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी रियल में पूछती है, वो आप नहीं कर पाएंगे। एक टर्म यहाँ पे यूज हुआ है एड में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसे आप एम्स कहते हैं गोरखपुर। एक्चुअली एक योजना आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी लेकर आए थे, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसमें 22 एम्स ओपन करने का प्रोविजन था, वैसे स्टेट्स में जहां पे नहीं है या पिछड़ा हुआ था, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ये गोरखपुर भी उसी 22 एम्स का एक पार्ट है। तो मैं आपको ये प्रधानमंत्री का जो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना था, मैं इसके बारे में याद दिलाना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इस पेज में जो मेन बीच में पेज होते हैं, ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड या गली नुक्कड़ के न्यूज होते हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल, अनिल देशमुख्स वाइफ सन मूव हाई कोर्ट। अब ना तो हमें अनिल देशमुख में इंटरेस्ट है, और ना ही उनकी वाइफ में, ना ही उनके सन में।
हाई कोर्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ हाई कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं सुनाया है। हाई कोर्ट अगर कुछ फैसला सुनाएगा तब हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे, बाकी इनको जहां जो जाना है करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हाईली इन्वेसिव स्नेल स्पॉटेड इन केरला, और इसका नाम है फाइजला एक्यूटा। चूंकि ये बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है, हॉट टॉपिक है, तो ये जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा ही सीधा याद कर लें आप। इसमें कोई साइंस कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगेगा और कोई दूसरा अल्टरनेट तरीका नहीं है। ऐसी जितनी भी चीजें आती हैं प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइजला एक्यूटा, प्रोनंसिएशन आपको अगर कुछ और करना है कीजिए, बट वहां पे जो ये लिखा हुआ है उसी पे हमें टिक करना है, उसी को हमें रंगना है। फाइजला एक्यूटा ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है। इन्वेसिव का मतलब होता है कि जहां ये रहेगा वहां कोई नहीं रहेगा, केवल और केवल यही रहेगा। और ये है क्या, ये एक स्नेल है, ये यहाँ फिगर में दिख रहा होगा आपको। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आज के एडिटोरियल में कुछ खास नहीं आया है, डॉकेट फुल ऑफ अनरिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। एक महान आदमी है जिन्होंने इस एडिटोरियल को लिखा है। इनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में बहुत सारी चीजें अनरिजॉल्व रह गई हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, एक दो ये याद दिला रहे हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि सेक्शन 43D ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन उप्पा, इस सेक्शन में इनको डाउट है, होना भी चाहिए। उप्पा कोई बहुत अच्छा रूल नहीं है, हमेशा लगभग उसका मिसयूज किया जाता है। एक और इनका आर्टिकल 370 के डाइल्यूट को लेकर के है, जो कि गलत है मेरे ख्याल से। 370 जाना चाहिए था नो डाउट। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक केस आया था जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है 2013 में, उसको इन्होंने रिपीट किया है। और दैट्स वाई मैंने कहा कि इसमें कुछ खास नहीं है, बाकी आपके पास फालतू टाइम है, आप 50 मिनट पढ़िए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूपीएससी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना पढ़ा, उसको बस उसके सिलेबस से मतलब है। तो हमें भी इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए कि नहीं द हिंदू हमने खरीदा है और इसका एडिटोरियल है तो इम्पोर्टेंट होगा, बिल्कुल नहीं होता है। हर एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, और बहुत बाहियात एडिटोरियल भी आपको मिल जाएंगे, डाइवर्ट करने वाले एडिटोरियल आपको मिल जाएंगे जो आपके माइंड में वेस्टेज डाल देंगे। आपको ऐसी चीजों में नहीं पढ़ना है, अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं पढ़नी है, कभी नहीं, भूल के भी नहीं। इवन मेंस में क्रिटिकली एनालाइज करने आएगा तो भी आप पॉजिटिविटी बना के रखेंगे। एक और न्यूज एडिटोरियल है एक्सपेंडिंग इंडिया एंगेजमेंट इन वेलअप विद रसिया। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि रसिया के साथ अपना पार्टनरशिप बहुत पुराना है, हमने सारी चीजें देखी थी। इसमें इन्होंने यही 2+2 मैकेनिज्म को मेंशन किया है, 2+2 डायलॉग को। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। पेपर की तरफ से एडिटोरियल आया है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। दो एडिटोरियल दो महान प्राणी ने लिखा है और दो एडिटोरियल पेपर की तरफ से आया है जो साइड में होता है, सॉरी। इसमें एंड द इम्पिनिटी अफस्पा की बात की जा रही है कि अफस्पा खत्म करो, तो अल्टरनेट भी तो बताओ। न्यूज वालों को ये चाहिए, न्यूज पेपर या किसी भी आदमी को, अगर आप कह रहे हैं कि इस चीज को खत्म करो तो आपको अल्टरनेट भी देना चाहिए। अफस्पा खत्म कर दो ठीक है, लेकिन इंसर्जेंसी कैसे रुकेगा फिर? जो ट्राई करते हैं ब्रेक करने को इंडिया को, वो कैसे रुकेगी ये चीजें, ये भी तो बताओ, अल्टरनेट तो दो। तो बस इसे खत्म कर दो और 10 और बातें आप बढ़ा चढ़ा कर लिख दें कि ये हुआ ये हुआ, ये सब नहीं करना है आपको, ये सब नहीं पढ़ने की जरूरत है। म्यांमार का जुंटा ने उनको 4 साल के लिए कैद में डाल दिया है, आदरणीय आंग सान सू की को, जिनको कभी नोबेल प्राइज मिला था शांति का। कितनी हैरानी की बात है कि नोबेल प्राइज देने वाले भी ये जज नहीं कर पाते हैं। ये वही आंग सान सू की हैं जिन्होंने रोहिंग्या को बांग्लादेश के एक ऐसे आइलैंड पर जाने को मजबूर किया है जो कभी भी धंस सकता है, कभी भी डूब सकता है। ये काफी हॉट न्यूज है, इसको ध्यान में रखें आप। और इनको शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इस आंग सान सू की को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटने वाला एक छोटा सा मुस्लिम कंट्री था अफ्रीका का, ना सऊदी अरबिया था ना ही पाकिस्तान था, जो सो कॉल्ड कहते हैं, या टर्की, कि हम मुस्लिम वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है वास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी।
ये आर्टिकल इससे रिलेटेड आया है कि जो टैलेंट है, इंडियन टैलेंट है, वो बाहर क्यों चली जाती है, गवर्नमेंट क्यों नहीं टैप कर पाती है। इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूं, गवर्नमेंट का एचआरडी का एक प्रोग्राम है, इसका नाम है, एचआरडी के प्रोग्राम का नाम है ज्ञान, GIAN, ज्ञान। 2015 में माननीय स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च किया था इसे, आप समझ ही गए होंगे, उस टाइम पे वो एचआरडी मिनिस्टर थी। ज्ञान, ज्ञान का पूरा नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। आप ज्ञान भी याद रहेगा तो फुल फॉर्म तो अपने आप याद आ जाएगा, और यूपीएससी रेलवे का पेपर नहीं है कि आपसे फुल फॉर्म पूछेगी कि इस टर्म का फुल फॉर्म क्या है। एनीवे, ज्ञान का मतलब है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। 2015 में स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया था इसको 30 नवंबर को, और इसमें प्रोविजन है कि गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि हायर एजुकेशन में, लाइक पीएचडी, पीएचडी या इंटरप्रेनरशिप हाई लेवल का, या टेक्नोलॉजी हाई लेवल के, जो भी इन चीजों के मास्टर हैं वर्ल्ड लेवल में, जो अच्छी फैकल्टीज हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड लेवल के, उनको इंडिया के साथ एसोसिएट किया जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या ये ज्ञान फेल हो गया? यहाँ पे क्रिटिकल एनालाइज आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं, आपको करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, अभी तो बोला था कि अच्छी अच्छी बातें करो गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में, पॉलिसी का कैटेगरी होता है, हर एक पॉलिसी को आप एनालाइज करने के लिए एक ही मापदंड नहीं अपना सकते। तो ज्ञान को आप कर सकते हैं कि ज्ञान के होते हुए भी अपना पोटेंशियल टैप नहीं हो पा रहा है, लोग यहां से पढ़ करके और भाग जा रहे हैं, जबकि इसमें प्रोविजन था कि बाहर से लोगों को लाना है, जो बिल्कुल ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे हाईएस्ट रेयर कैटेगरी वाले स्कॉलर्स हैं, उनको इंडिया में लाना है। तो गवर्नमेंट को इस प्रोग्राम पे एनालाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, द वे टू टैकल मेल न्यूट्रिशन, हमेशा से हाई टॉपिक रहा है, यूपीएससी का बिल्कुल हॉट टॉपिक है ये मेल न्यूट्रिशन, एक क्वेश्चन घुमा फिरा करके जरूर आ जाता है। फिलहाल का इस साल का न्यूज है, अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है 5th नंबर का, मैं कहूंगा कि इसके समरी को आप बिल्कुल अपने जवान पे रखें, आपको सोचना नहीं पड़े कि 35.5% अंडर 5 चिल्ड्रेन स्टंटेड था कि 45.5% था। अनडाउटली एक बार में आपके दिमाग में आ जाए कि ये 35.5% था। ये NFHS का, नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे का सर्वे बताता है कि 35% बच्चे जो अंडर 5 है हमारे कंट्री में, थोड़ा सा उससे ज्यादा स्टंटेड है, यानी ड्यू टू प्रॉपर न्यूट्रिशन उनका ग्रोथ नहीं हुआ है। एंड 19.3 आर वेस्टेड लो वेट, ये दो कैटेगरी जनरली आता है, 19.3 और 35.5, ये आपको याद रहे दोनों डाटा। एक वेस्टेड का कैटेगरी आता है और एक स्टंटेड का, यानी एक में हाइट नहीं बढ़ पाई प्रॉपर, दूसरे में वेट नहीं बढ़ पाया प्रॉपर, ठीक है, ये दो ही चीज पूछा जाता है जनरली, बाकी और भी चीजें होती हैं, बट ये दो इंपॉर्टेंट है अपने कंपटीशन के व्यू से। ये NFHS के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल का, नाम है इसका FAO। ये FAO ये फूड ऑर्गेनाइजेशन है, रोम में इसका HQ है, आप सबको पता होगा FAO के बारे में। ये भी एक रिपोर्ट लाता है, वर्ल्ड रिपोर्ट लाता है मेल न्यूट्रिशन पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कहना है, FAO का कहना है कि 14% बच्चे इंडिया में मेल न्यूट्रिस्ट हैं। ये आर्टिकल आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेल न्यूट्रिशन, क्योंकि ये एवर ग्रीन टॉपिक है। अगले साल 2023 में, 2022 तो आ ही गया, मैं उसके अगले साल की बात कर रहा हूं, 2023 के प्री में हो सकता है आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाए, और तब आप कहेंगे कि ये तो फेयर नहीं है, 2021 से क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअली कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते, नागालैंड इंसर्जेंसी उस टाइम पे मायने नहीं रखेगा, लेकिन ये मेल न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है हॉट टॉपिक है। तो
ये फूड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 14% बच्चे इंडिया में मैलन्यूट्रिशन हैं, और NFHS5 का कहना है कि 35.5% ये वेस्ट स्टंटेड है और 19.3 आर वेस्टेड। अच्छा, सबसे हैरानी की बात यह है, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे और कोई नहीं बिलीव करेगा फर्स्ट टाइम में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या प्री में क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मोस्ट मैलन्यूट्रिशन इन इंडिया, देश का कौन सा स्टेट है जहां के बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, सबसे कम मिलता है, बहुत हैरानी होगी आपको जान करके। रिकॉर्ड में जिसका नाम आया है सर्वे में वो है गुजरात, और केवल एक ही चीज में नहीं, गुजरात वो स्टेट है जहां बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी का एजेंसी, मोदी जी के अंडर काम करने वाली एजेंसी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। गुजरात वो कंट्री है जहां सबसे ज्यादा बच्चे मेल न्यूट्रिशन है, और आगे सुनिए, अंडर वेट गुजरात में 77% है, 100 में से 77 बच्चे वहां पर ऐसे हैं जो जिनके पास प्रॉपर वेट नहीं है, 83% स्टंटेड है, वेस्टेड में 77% और स्टंटेड में 83% प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ है। ये है उस गुजरात का हाल जो इंडिया में सबसे डेवलप्ड स्टेट माना जाता है, एंड रियलिटी इज समथिंग एल्स। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इस पे काफी बवाल मचा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने काफी हंगामा मचाया था वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट पे। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट में इंडिया को, हंगर इंडेक्स होता है एक, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, इंडिया का 94 रैंक दिया गया था, और वो भी 107 कंट्री में, यानी अगर पूरी दुनिया में 107 कंट्री को निकाला गया इंपॉर्टेंट जो है सबसे, उनमें से केवल 11 कंट्री ऐसे थे जहां हमसे ज्यादा भुखमरी थी, अदरवाइज 94 नंबर पे हम हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लेकर के प्रोटेस्ट किया, हर जगह प्रोटेस्ट किया कि ये गलत रिपोर्ट है, मैनिपुलेटेड रिपोर्ट है, बट रिपोर्ट है तो है। जब वर्ल्ड बैंक इजी ऑफ डूइंग बिजनेस ला करके आपको 77 और 63 रैंक दे रहा था, तब तो आप बड़े खुश थे कि देखो कितना प्रोग्रेस हो रहा है। रियलिटी ये है कि हेल्थ में जो टारगेट रखा गया है जीडीपी का, बजट का हिस्सा, उसे करना पड़ेगा हर हार में, तब जाकर के कुछ ग्राउंड लेवल पे बात बनेगी। ये एक अलग किसी दिन और टॉपिक डिस्कस करेंगे कि हेल्थ में कितना परसेंट होना चाहिए और रिकमेंडेशन किसका है। सो कुछ और आर्टिकल की तरफ चलते हैं, एक दो अमेंडमेंट आज के न्यूज़पेपर में आया है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट है एक 1998 का, और जिस ईयर में भी कुछ नया एक्ट आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेपर में अगर आप उससे अवेयर नहीं है, पेपर में पूछा जाता है, तो आपको लगता है कि ये तो बहुत फालतू सा पूछ दिया, ये नहीं पूछा जाना चाहिए था, हकीकत ये नहीं है। उससे पहले एससी स्टेज पोल्स फॉर ओबीसी सीट्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अदर बैकवर्ड क्लास को लेकर के जो पिछले एक साल में डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा रहा है। ये हुआ क्या था मैं एक बार याद दिलाता हूं आपको, मराठा रिजर्वेशन को लेकर के महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर के आई कि किसी भी जॉब में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम मराठा को एक सर्टेन रिजर्वेशन देंगे। टोटल रिजर्वेशन जब जोड़ा गया तो वो 50% से ज्यादा हो रहा था। तो रिजर्वेशन का रूल है अपने कंट्री में कि केवल आप 50% ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, यानी 50% जनरल, बाकी के 50% में ईबीसी ओबीसी एससी एसटी जो बनाना है बना लो, लेकिन 50% जनरल रहना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया तो स्टेट ने कहा कि ऐसा है कि हमारे यहाँ कुछ कास्ट ओबीसी में होने चाहिए लेकिन वो है नहीं, तो मुझे उनको इंक्लूड करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा पावर ही नहीं है, स्टेट हैज नो पावर टू इंक्लूड ओबीसी इन ओबीसी लिस्ट। स्टेट ने कहा ठीक है जी, स्टेट गई सेंटर के पास कि वोट तो तुम्हें भी चाहिए, मैं यहाँ ओबीसी ओबीसी खेल रहा हूँ, और ओबीसी को अगर रिजर्वेशन नहीं मिला तो वोट तो तुम्हें भी नहीं देंगे वो। सेंटर ने कहा रुको,
मैं अमेंडमेंट लेकर आता हूं। अमेंडमेंट अभी आया है लेटेस्ट 105, 105 नंबर का, 105 नंबर अमेंडमेंट ने इस लिस्ट में, इस लिस्ट को फिर से रिन्यू करने का पावर वहां के गवर्नर यानी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अब तक का जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो कि आ चुका है, ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है, लेटेस्ट है 105 नंबर अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में ये प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट इज इंपावर्ड टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ओबीसी। तो ये जो पावर था वो रिस्टोर कर दिया गया, और ये काफी हाई वोल्टेज चला है ड्रामा इसमें। एक और चीज मैं ऐड करता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं रख सकते। एक स्टेट है तमिलनाडु, जी हम उसी स्टेट की बात कर रहे हैं जिसका कहना है कि मैं फ्रेंच रख लूंगा अपना तीसरा लैंग्वेज, लेकिन हिंदी नहीं रख सकता मैं। एक तो हमारा तमिल है ही, एक इंग्लिश है, अगर तीसरे की बात करूंगा तो मैं फ्रेंच रख लूंगा, पुर्तगीज रख लूंगा, लेकिन हिंदी नहीं रख सकता। और इसके अपोजिट एक स्टेट है हरियाणा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा का जो सेकेंड लैंग्वेज है वो तेलुगु है, वहां के बच्चों को तेलुगु पढ़ाया जाता है स्कूल में। एनीवे, वो एक डिफरेंट पॉइंट है, सब नेशनलिज्म वाली बात हो जाएगी, रहने देते हैं अभी। फिलहाल तमिलनाडु को मैं इसलिए याद कर रहा था कि ये वो स्टेट है जहां रिजर्वेशन 50% से ज्यादा है। आप कहेंगे ऐसा भी होता है क्या? हाँ जी, एक शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में 9th नंबर का, शेड्यूल नंबर 9। अगर आपने इसमें किसी चीज को डाल दिया, 9th नंबर में किसी अमेंडमेंट, किसी एक्ट को डाल दिया, देन नो वन हैज पावर टू एक्ट ओवर इट। तमिलनाडु ने यही किया, रिजर्वेशन दिया 50% से ज्यादा, रिजर्व कैटेगरी बन गया, और उसके बाद उठा के उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया। अब ये 9th शेड्यूल एक तरीके से सील्ड का काम करता है, नो वन कैन एंटर इवन सुप्रीम कोर्ट इनसाइड द सील्ड। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हाई कोर्ट ने कहा है स्पाइस जेट को कोई बाइंड अप कर लो अगर किसी का कर्ज नहीं दे सकते हो तो। एयर इंडिया अभी प्राइवेटाइज हो गया है, और ये एयरलाइंस वाला टॉपिक भी हॉट टॉपिक रहेगा इस बार के प्री में, आई मीन 2022 के प्री में। एक आर्टिकल है, आसाम एडिटर ऑफ फेसिंग सेडिशन चार्ज रिलीज ऑन पीआर बॉन्ड। एक्चुअली ना तो ये पर्सन जो अनिर्वन रॉय चौधरी जो भी है दिख रहा है, ना तो ये कोई एडिटर है और ना ही कुछ है। आपको, आप सबको पता है, आजकल आप भी न्यूज एनालाइजर, आप न्यूज एडिटर बन सकते हैं, है ना? मैं भी बना हुआ हूँ, नो डाउट, बट मैं उस कैटेगरी का नहीं हूं कि कुछ भी न्यूज में उठा करके डाल दिया। ये वो लोग हैं जो फेमस होने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं, कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे कि दो कम्युनिटी में विवाद हो जाए। तो ये वही केस था, सेडिशन का केस था, अगेंस्ट द कंट्री का केस था। इन सब न्यूज में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओडिशा सीएम लॉन्च सेम स्कीम अगेन एंड अगेन। ये उनके पिताजी के नाम पर एक स्कीम है, तो ये बार बार उस स्कीम को रिपीट कर रहे हैं। वैसे उड़ीसा का एक दो स्कीम आपको याद रखना है हमेशा, कुछ यूनिकनेस तो है उड़ीसा में, नो डाउट, बट बाकी कुछ और काम का नहीं है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में हम आ गए हैं अब उस चीज पे जहां पे दो एक्ट लाए गए हैं। एक एक्ट है जिसका नाम है निपेर, यहां लिखा है निपेर। इस निपेर का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, दिस इज निपेर। ये एक्ट लाया गया था 1998 में। कौन सा एक्ट लाया गया था? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। और इस एक्ट से सबसे पहला जो एजुकेशन रिसर्च सेंटर था वो खोला गया था मोहाली में, आज भी केवल मोहाली ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस बार ये न्यूज में आ गया है और अगले पेपर में आपको दिख जाए मैट्रिक्स मैच में, एक तरफ ईयर और एक तरफ कुछ इंस्टीट्यूशंस, तो अगर आपको केवल ये भी याद है ना कि निपेर मोहाली में आया था, तो बाकी अपने आप कर लेंगे। एक मैच हो गया तो बाकी मैच हो जाएगा, प्रोवाइडेड एक के दो से ज्यादा ऑप्शन ना दिए हों सही वाले, और ऐसा बहुत कम ही होता है। तो मैं यही कहूंगा कि निपेर आपको याद रहे, मोहाली में है निपेर,
निपेर का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट, और इसमें कुछ खास नहीं है, इसको अमेंड करने की बात की जा रही है 2021 में, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगा। तो अपोजिशन का कुछ चल रहा था, अपोजिशन तो हमेशा अपोज करेगी, तो अपोजिशन को समझा रहे थे, उसी के तहत ये न्यूज आया है इसमें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है एनडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट। हाल ही में याद होगा मुंबई में ये एक्ट काफी फेमस रहा था, किसी लाडले के बेटे को इसके तहत बुक किया गया था। पूरा नाम है इसका नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टांसेस एक्ट 1985 का ये ड्रग्स से रिलेटेड एक्ट है, जो न केवल ड्रग की सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी फॉर्म में पोसेशन को प्रोहिबिट करता है, सजा का प्रावधान है, बट ऑल्सो कुछ और भी चीजें हैं। फिलहाल जो ये न्यूज में आया है जिस बात को लेकर के, उसमें दो चीजें हैं। एक है इलिसिट ट्रैफिकिंग, यानी ना तो आप ड्रग इंस्पेक्टर हैं और ना ही किसी लेबोरेटरी के इंचार्ज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बनाया हुआ है। इलिसिट ट्रैफिकिंग, जैसे मैं बात करूं अगर शाहरुख खान के बेटे की, तो शाहरुख खान का बेटा ना तो महाराष्ट्र में किसी लैब का इंचार्ज था कि वो ड्रग लेकर के और चेक करने गया था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था उस ड्रग के साथ या एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सो इस टाइप का जो मूवमेंट है ड्रग के साथ, दैट इज इलिसिट ट्रैफिकिंग, या ह्यूमन ट्रैफिक की बात नहीं हो रही है। बिना किसी राइट के आप ड्रग्स का यूज कर रहे हैं या उसे आप एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर रहे हैं। तो एक इस चीज को चेंज करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया जा रहा है, और दूसरा है इसेंशियल नारकोटिक्स, कुछ नींद की दवाइयां हैं वो भी ड्रग्स में आती है। तो कुछ लोगों का कहना है कि यार एक बार डिफाइन कर दो, एक लिस्ट बना दो कि कौन कौन सा इसेंशियल है जो ड्रग होते हुए भी ड्रग नहीं होगा। ये सही बात है, ऐसा होना चाहिए, इसेंशियल नारकोटिक। तो ये जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म को अमेंड करने के लिए अमेंडमेंट लाया जा रहा है 2021 में। अब तक ये एक बार पहले भी अमेंड हो चुका है 2014 में। सो दिस वाज अबाउट एनडीपीएस, ये दो एक्ट थे, निपेर और एनडीपीएस, दोनों का नाम एन से ही शुरू है, और ये सब याद रखने का तरीका है केवल, ऐसा नहीं है कि एन से शुरू है तो अब याद ही हो गया होगा आपको। हाँ, दोबारा जब आप इसे पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा और पेपर में याद आ जाएगा कि दोनों एन वाला था। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आज का एक और हॉट टॉपिक, अफॉरेस्टेशन फंड्स रिलीज टू स्टेट। ये वो टॉपिक है जो आज से 10 साल बाद भी काम का रहेगा। नारकोटिक्स ड्रग अगले साल लोग भूल जाएंगे, 2023 में भूल जाएंगे, अगर कोई फिर से बड़ा लंबा चौड़ा केस नहीं हुआ तो। लेकिन ये अफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम चलता रहेगा। ये अफॉरेस्टेशन होता क्या है? अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जहां कहीं कभी पहले कभी फॉरेस्ट रहा है, गवर्नमेंट ने या किसी ने वहां से उसे हटा दिया ड्यू टू मिनरल और वट एवर, वहां पे आपको वापस फॉरेस्ट लगाना है। तो फॉरेस्ट लगाने में तो पैसे चाहिए, यानी फंड बनाओ, दैट इज अफॉरेस्टेशन फंड। एक टर्म है जिसका नाम है कंपा, कंपा, कैंपा भी पढ़ सकते हैं आप, कंपा पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है, याद रहेगा आपको। पूरा नाम है इसका कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा। ये कैंपा आया था 2004 में, कब आया था? 2004 में कैंपा लाया गया। आप कहेंगे अगर कैंपा आया है तो कोई एक्ट भी तो होना चाहिए। कैंपा को लाने के लिए किसी एक्ट की जरूरत नहीं थी। फॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन हमारे यहाँ बहुत पहले से रहा है, जैसे याद करो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, बायोडायवर्सिटी का एक्ट है 2002 का, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं। हाँ, कैंपा जिस एक्ट को रेगुलेट करता है, जिस एक्ट को यूज करता है, उसका नाम है कैफ, CAF एक्ट, कैफ 2018। आप कहेंगे 18 में आया था ये? नहीं, कोई भी एक्ट जो आप जनरल न्यूज में देखते हैं वो या तो उससे पहले आया होता है। एक्ट दो तरीके से यूज किया जाता है जनरल लैंग्वेज में, एक जब से वो इफेक्ट में आया और दूसरा जब उसे पार्लियामेंट ने
पास कर दिया, तो पास होने के बाद अभी प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए, उसके बाद वो नोटिफाई हुआ। जब नोटिफाई हो गया, गजट में आ गया कि आज से चलो ये एक्ट बन गया भाई, बिल हटाओ, तो वो कहलाएगा विथ इफेक्ट। तो ये कैफ आया था 2018 में। आप कह सकते हैं कि लगभग एक डिकेट से भी ज्यादा टाइम में जब कैंपा बना था। इस कैफ में, कैफ का मतलब है कंपेंसेटरी फंड, ये कंपेंसेटरी फंड, एफोरेस्टेशन फंड, यहीं से आप देख सकते हैं, कैंपा से देख सकते हैं। इसमें प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट को फंड दिया जाएगा अगर वहां से फॉरेस्ट का लॉस होता है तो। इस टॉपिक में किस स्टेट का ये टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको दिया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने यहाँ जितने भी हैं 32, जिसमें 27 स्टेट हैं, इन सबको मिलेगा, जहां जहां भी फॉरेस्ट है सबको मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस स्टेट का न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट ये है कि कैंपा क्या है। कैंपा एक ऑथोरिटी है जो प्लान करती है अफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट दोबारा जो लगाया जाएगा उसका, और फंड मैनेज करती है। फंड कौन सा है? कैफ, कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड, जो 2018 में लाया गया। अच्छा, इसके पीछे भी कहानी है। कहानी ये है कि पहले जो फंड दिया गया था कैंपा को, 2014 की बात है कि कैग ने जब ऑडिट किया इसे, तो पता चला कि कैंपा का तो फंड ही नहीं यूज हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि रुको, इसका अलग से ही मैं एक फंड बनाता हूं। तो 2016 में कैफ एक्ट आया और उसे लागू किया गया 2018 में। 30 सितंबर 2018 से कैफ एक्ट इफेक्ट में है। So, आज का न्यूज आर्टिकल यही खत्म करते हैं। ये कुछ मेन न्यूज आर्टिकल थे, आप दोबारा इन चीजों को रिवाइज करें। ये वो न्यूज आर्टिकल हैं जिनमें से कुछ एवर ग्रीन है, आप श्योर मानिए प्रीलिम्स में आपको मिलेंगे घुमा फिरा कर। मिलते हैं कल नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल के साथ।